हाय एवरीवन, मैं प्रतिभा। वेलकम बैक टू प्रतिभा ब्यूटी पार्लर। सो आज हम करने जा रहे हैं लोटस का फेसियल। ये रहा मेरा फेसियल किट। सो ये है लोटस हर्बल रेडियंट पार्टी ग्लो वाइट पियोनी एंड आर्गन स्किन ब्राइटनिंग एंड डिटेनिंग फेसियल है। ये 4-in-1 फेसियल पैक, इसके अंदर 4 फेसियल है और ये 5 स्टेप है, बट बहुत ही ईजी है। पाराबिन फ्री है एंड ऑल स्किन टाइप। ये किसी के भी फेस पे आप कर सकते हैं। कोई भी फेस है आपका, ऑयली है, उस पर भी चल सकता है ये, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बट फिलहाल अभी तीज आने वाला है, उसमें बहुत ही आपको फ़ायदा करेगा। और बहुत ही कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि आप घर बैठे भी फेसियल कर सकते हैं, तो ये बहुत ही ईजी है। आप देख सकते हैं, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। सो ठीक है, अभी हम इसका रिव्यू करके। बहुत ही ईजी है ये, कुछ इस टाइप का ये छोटी डबिया है। इसके अंदर 5 स्टेप है। सो आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। सो इस पे डिटेल में बताया गया है कि फर्स्ट स्टेप में क्या है, सेकेंड स्टेप में क्या है, तो इसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं। इस पे दिया गया है, फर्स्ट स्टेप में है जेल, सेकेंड स्टेप में है स्क्रब, थर्ड स्टेप में है सीरम, फोर्थ स्टेप में है क्रीम एंड 5 स्टेप में है पील ऑफ मार्क्स। सो आप कर सकते हैं, बट बहुत ही ईजी है। कुछ इस तरह का है ये, तो हम फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करके दिखाते हैं। उससे पहले कुछ अपने फेस को क्लीन कर लेते हैं। वैसे मेरे फेस पे कुछ क्रीम नहीं लगा हुआ है। सो फेसियल करने से पहले सबसे कोई भी कॉटन से फेसियल करने से पहले सबसे पहले आप अपने फेस को क्लीन कर लें। फेस एंड नेक, आप फेस के साथ साथ अपने गर्दन को भी अच्छे से क्लीन कर लें, ताकि कोई भी आप क्रीम अपने फेस पे अप्लाई किए हैं तो उसको जस्ट रिमूव कर सकते हैं और अच्छे से फेस को क्लीन कर लीजिए। सो सबसे पहला स्टेप है ये जेल का। सो ये है क्लींजिंग जेल ऑल स्किन टाइप, ये 10 ग्राम का है। सो इसको हम अपने फेस पे जस्ट अप्लाई करेंगे। कुछ इस टाइप का है ये, आप देख सकते हैं। ये प्योर लिक्विड टाइप में दिया है। सो इसको अपने फेस पे अच्छे से डैप डैप करके फर्स्ट स्टेप को कह रहा है अप्लाई ऑन योर फेस एंड नेक एंड मसाज इन ए सर्कुलर मोशन। सो ये सर्कुलर मोशन में मसाज करने के लिए कह रहा है फेस एंड नेक को, ताकि ये बराबर ग्लो करे आपका फेस। और ये है क्लीन एंड क्लीन विथ मॉइस्ट कॉटन। ये कह रहा है कि मसाज सर्कुलर मोशन में करें फेस एंड नेक को, और उसको अच्छे से कॉटन से रिमूव कर दें। सो इसको हम पहले मसाज कर लेते हैं, उसके बाद हम रिमूव करेंगे। अच्छे से सर्कुलर मोशन में हम फेस एंड नेक को मसाज करेंगे, ताकि मेरा सन टैनिंग है वो भी रिमूव हो जाए अच्छे से और फेस मेरा ग्लो करे। आप अंडर आई भी सही से कर लें, ताकि ये आई के नीचे बहुत डार्क सर्कल रहता है, तो इसको भी अच्छे से हम कवर कर लेंगे। तो कुछ इसका टाइमिंग मेरा पूरा हो चुका है। ये 2 से 4 मिनट के लिए हम मसाज किए अपने फेस पे और गर्दन पे। अब इसको हम रिमूव करेंगे।
ये तो विदाउट वाटर था, इसमें कोई भी पानी हम अलग से नहीं लिए थे। ये सारा जेल मेरे फेस पे अब्जॉर्ब कर चुका है, आप देख सकते हैं। और इसको जब हम रिमूव करेंगे कॉटन से, तो इस पे हम जेल अलग से लगा लेंगे पानी, उसके बाद हम रिमूव करेंगे। जस्ट अब ये कॉटन से हम इसको रिमूव करेंगे। सो सेकेंड स्टेप मेरा ये है डिटेन पॉलिशर, आल स्किन टाइप है ये। ये भी 10 ग्राम का है, तो जस्ट हम इसे भी अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। तो ये सेकेंड स्टेप मेरा ये है, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, आप देख सकते हैं इसे। और सो सेकेंड स्टेप ये कह रहा है अप्लाई ऑन द मोस्ट स्किन एंड मसाज इन ए सर्कुलर मोशन फॉर 3 और 4, या आप 3 और 3 से 4 मिनट तक इसको सर्कुलर मोशन में राउंड राउंड करके अपने फेस या नेक पे मसाज करें। और ये कह रहा है जस्ट क्लीन करने के लिए, सो आप कॉटन से अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको अपने फेस पे मसाज करेंगे। तो इसको सबसे स्टार्टिंग में हम डैप डैप करके अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे। जस्ट आप देख रहे हैं वीडियो में, और इसको स्लोली स्लोली सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के मतलब अपने फेस पे आप राउंड राउंड हल्के हाथों से मसाज करेंगे। जस्ट राउंड राउंड अपने फोरहेड पे भी अप्लाई करना है, अपने आई पे भी अप्लाई करना है, अपने फर्स्ट फिंगर टिप्स से अपने आई पे अप्लाई करें। और जस्ट आप बहुत ही सर्कुलर मोशन, बहुत ही हल्के हाथों से, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको गौर करना होगा। और वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, और घर बैठे अपने फेशियल कर सकते हैं। तो इसे हम अपने फेस पे 3 से 4 मिनट तक का मसाज कर चुके हैं अपने फेस व नेक पे। सो इसको अब हम अपने फेस से रिमूव करेंगे, उसके बाद हम अगला स्टेप करेंगे। सो इसे अभी हम जस्ट रिमूव करेंगे। सो ये रहा मेरा मॉइस्ट कॉटन। सो इस कॉटन से अपने फेस को हम अच्छे से रिमूव कर लेंगे, उसके बाद हम थर्ड स्टेप अप्लाई करेंगे। सो ये है तीसरा स्टेप मेरा। तो तीसरा स्टेप ये है डीप सिल्क सीरम है, ये डीप सेल सीरम। सो ये कह रहा है टेक 5 और 7 ड्रॉप्स अप्लाई ऑन द फेस एंड नेक, मसाज फॉर 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करना है, और 5 से 7 ड्रॉप्स आप अपने हथेली पे लें और अपने फेस पे जस्ट अप्लाई करें। अबाउट फॉलो द नेक्स्ट स्टेप, मतलब ये आपको कह रहा है कि नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करने से पहले इसे रिमूव ना करें, जस्ट उसी के ऊपर नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करें। तो ये रहा तीसरा स्टेप, तो देखिए कुछ इस तरह से ये है। इसे हम डैप डैप करके अपने फेस पे जस्ट इसे प्रेस करेंगे। डैप का मतलब होता है कि अपने फेस पे प्रेशर दें, फोरहेड पे, नोज पे, आई पे, आई अंडरलाइन, मतलब आई अंडरलाइन आपका डार्क ही रहता है, किसी फेस पे थोड़ा कम रहता है और किसी फेस पे कुछ ज़्यादा ही डार्क रहता है। बट ये चीज़ को आप ज़रूर फेशियल के टाइम, जिस टाइम आप फेशियल करते हैं उस टाइम कवर करें, क्योंकि ये फेशियल इस तरह से सिर्फ राउंड राउंड हाथ को घुमाने से नहीं हो पाता है। ये हर एक चीज़ को आप कवर जरूर करें अपने फेस पे जब फेशियल करते हैं उस टाइम। तो ये है सीरम, ये सीरम फेस पे अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। ये इसको रिमूव करना नहीं होता है, इस पे बताया गया है कि इसको रिमूव नहीं करना है। सो ये 2 से 3 मिनट तक हम इसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे।
और सर्कुलर मोशन में इसे हम 2 से 3 मिनट तक मसाज कर लेंगे ताकि ये फेस पे अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद हम जस्ट इसे रिमूव नहीं करेंगे और इसके ही ऊपर हम नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे। सो हम इसे अभी 2 से 3 मिनट तक मसाज कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये रहा मेरा चौथा स्टेप, इसे हम रिमूव नहीं किए हैं। जो मेरा थर्ड स्टेप था इसको हम रिमूव नहीं किए हैं क्योंकि ये सीरम था, ये कह रहा था कि अपने फेस पे अब्जॉर्ब ही करना है, 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करना है ब्लड सर्कुलर मोशन में। ये रहा मेरा फोर्थ स्टेप, सो इसे हम जस्ट अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। सो अप्लाई में है ये मसाज ऑन फेस एंड नेक इन ए सर्कुलर एंड अप फॉर अबाउट 10 to 15 मतलब 10 से 15 मिनट के लिए इसे मसाज करना है। रिमूव विथ डैप कॉटन 10 to 15, तो 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे मसाज करेंगे और उसको हम रिमूव कर देंगे कॉटन के साथ। तो जस्ट इसे हम अप्लाई करेंगे। सो देखिए कि किस तरह से ये है। तो इसे भी हम अपने फेस पे डैप डैप करेंगे, नोज पे, फोरहेड पे, अपने आई पे भी हम किए हैं और इसे हम 10 to 15, काफी लंबा ये मसाज चलेगा। सो इसे हम अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे। तो फेस एंड नेक, तो फेस एंड नेक हम नेक भी लेंगे। नेक का स्टेप कुछ इस तरह से है। सो देख सकते हैं आप, क्रीम जो था मेरा 10 से 15 मिनट के लिए मसाज करना था, सो इसको हम जस्ट अपने फेस पे सारा क्रीम को अब्जॉर्ब कर दिए हैं। ये कुछ भी नहीं दिख रहा है, जस्ट इस पे मॉइस्चराइजर ही दिख रहा होगा। सारा क्रीम ये फेस में अब्जॉर्ब कर चुका है। मेरा टाइम भी पूरा हो गया था 10 से 15 मिनट। इसे मसाज हम कर लिए हैं सर्कुलर मोशन में पूरे फेस पे राउंड राउंड करके, और ये जस्ट अपने गर्दन पे भी किए थे। सो इसे अब हमें रिमूव करना है। तो अपने हथेली को पानी लेकर गीला कर लेंगे और उसके बाद अपने फेस पे मसाज करेंगे। जस्ट ये गीले हो जाएगा, उसके बाद हम इसे रिमूव करेंगे कॉटन की हेल्प से। सो इसे रिमूव करने के बाद हम लगाएंगे 5 स्टेप, तो वो है हमें फेस पैक। तो वो अपने फेस पे पैक लगाकर उसे 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ना है। तो ये मेरा फेस गीला हो चुका है, अब हम इसे कॉटन से रिमूव करेंगे। देख सकते हैं इसी से हम अपने फेस को रिमूव करते हैं। फेस काफी हद तक स्मूथ हो चुका है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है इसका। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये ऑल स्किन टाइप है, ये किसी भी स्किन पे हो सकता है, ऑयली स्किन हो, ड्राई हो, नॉर्मल स्किन वाले भी, कोई भी ये अपने फेस पे इस फेशियल किट से फेशियल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका। फेस पूरा मेरा स्मूथ दिख रहा है। सो ये रहा मेरा 5वां स्टेप। अब हम फेस पे पैक अप्लाई करेंगे। तो पैक में ये है रेडिएंट पार्टी ग्लो। सो ये अपने फेस पे हम जस्ट अप्लाई करेंगे और ये कह रहा है टेक 20 ग्राम, ये वजन है इसका 20 ग्राम है इसके अंदर, और 45 and 50 ml। तो ज्यादा भाषण नहीं दे, हम लोग सुनिए, चल रहे जल्दी।
सो ये रहा मेरा पांचवा स्टेप, ये मेरा लास्ट है, ये फेस वैक है, ये है रेडियंट पार्टी ग्लो वाइट फ्यून एंड आर्गन। तो ये अपने फेस पे हम अपने जस्ट अभी अप्लाई करेंगे। और ये कह रहा है टेक 20 ग्राम ऑफ मास्क एंड 45 एंड 50 ml वाटर। तो ये 45 एंड 50 ml पानी के साथ हम इसे अपने पेस्ट को तैयार करेंगे। ये पाउडर है इसके अंदर, सो इसे हम जस्ट अभी अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। तो सो देखें, सबसे पहले ये तो पैक है, इसको हम यहाँ से कट करेंगे। ये पाउडर फ्लेम में है, सो इसे हम अपने एक वॉल में अच्छे से निकाल लेंगे। इसे हम अब मिलाएंगे पानी। सो इसमें हम 50 ml पानी मिलाकर पेस्ट को तैयार करेंगे। और कुछ इस तरह से हम जस्ट अप्लाई किए थे अपने फेस पे। सो ये मेरा लास्ट प्रोसेस है फेशियल का, ये फेस पैक है मेरा। तो कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। और जस्ट हम अप्लाई करने के बाद इसको 20 से 25 मिनट तक अपने फेस पे लगे रहने देंगे। और अच्छे से इसका प्रोसेस हो जाने पर ही इसे रिमूव करेंगे, ताकि ये अच्छा रिजल्ट दे, मेरा फेस स्मूथ हो जाए। जिस जस्ट इसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं जब तक इसका प्रोसेस पूरा नहीं होगा। तो ये खुद से अप्लाई करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, ये लिक्विड पेस्ट तैयार करने के बाद अपने फेस पे अप्लाई करो। ये अगर हम दूसरे के ऊपर करते हैं तो आई भी कवर करते हैं। इस पे देख रहे हैं आप, आई पे हम नहीं अप्लाई किए हैं, क्योंकि हमें देखना भी है और ख़ुद से उतारना है ये फेस पैक को, तो करने में नहीं बनता था बस इसीलिए। सो ये इसका भी प्रोसेस पूरा हो गया है, अब हम जस्ट इसे फेस से रिमूव करेंगे। तो देख सकते हैं कि हम ये नीचे से भी फेस पैक उतार सकते हैं, ये जस्ट ऊपर से भी उतार सकते हैं। सो कुछ इस तरह से मेरा फेस पैक जो लास्ट का है, ये मेरा टूट टूट सा रहा है। किसी के ऊपर करते हैं तो ये साबुत निकलता है, क्योंकि खुद पे करने में नहीं बनता है। बस कोई बात नहीं, ये जैसा निकल रहा वैसे भी ठीक है, क्योंकि प्रोसेस तो मेरा फेस पे हो चुका है। ये साबुत निकले या टूट के निकले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर इस फेसियल का प्रोसेस आपको अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करें। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अच्छे से आप सीख पाएँ और अपने फेस पे अप्लाई कर पाएँ। सो फिलहाल तीज आने वाला है, उसी की तैयारी चल रही है। सो सभी अपने अपने फेस पे फेसियल करवाते हैं। सो कुछ इस तरह से ये लोटस का फेसियल का रिजल्ट है। आप लोटस का फेसियल मेरे लिए बहुत ही बेस्ट है, आप चाहें तो यही फेसियल आप तीज में करवा सकते हैं। सो कुछ इस तरह से मेरे फेस से रिमूव हम किए हैं, और ये काफ़ी मेरा फेस स्मूथ दिख रहा था। मेरा पैक लास्ट में रिमूव कर लिए हैं, तो आप हम अपने देख सकते हैं मेरा फेस का रिजल्ट, किस तरह से मेरा रिजल्ट फेस का आया है। आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ है और बहुत ही प्यारा दिख रहा है ये। तो फेसियल का हमने सारा प्रोसेस पूरा कर लिए हैं, और देख सकते हैं मेरा फेस का कुछ इस तरह से रिजल्ट आया, काफ़ी स्मूथ लग रहा है फेस मेरा, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आप आलस स्किन टाइप है, आप भी कर सकते हैं, और बहुत ही इजी है, आप इजी वे में भी कर सकते हैं। सारा प्रोसेस आपका इजी ही है, कोई भी टप नहीं है, आप अच्छे से अपने फेस पे कर सकते हैं। तो ठीक है गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और सारे वीडियो आप देख सकें। और गाइज मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।